इतने जो वादे और दावे किए जा रहे हैं और हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, क्या वो पूरे होते हैं? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? क्या कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पर बात करता है? उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि दो दिन बाद मतदान है और पहले ही चरण में ये लगभग कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी स्थिति कि आखिर जनता का मूड क्या है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वादों की गारंटी, मोदी की गारंटी, जुमलों की बातें, दावे और 10 गारंटियां, न्याय, संकल्प, ये तमाम जो शब्द हैं आप बखूबी सुन रहे होंगे और हर चुनाव में आपने सुना भी होगा। 2014 के बाद से मैनिफेस्टो को सिर्फ मैनिफेस्टो कहा जाता था, घोषणा पत्र कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि इसके नाम के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। कोई इसे न्याय बता रहा है, कोई इसे परिवर्तन बता रहा है, कोई इसे गारंटी बता रहा है, कोई इसे संकल्प बता रहा है और कोई इसे कह रहा है कि ये हमारा पक्का वादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने जो वादे और दावे किए जा रहे हैं और हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, क्या वो पूरे होते हैं? क्या इस पर ये नेता बात करते हैं? क्या इस पर कोई मैनिफेस्टो जारी होता है कि ये वादे हमने पूरे कर दिए, हम इसकी घोषणा कर रहे हैं? क्या कोई प्रेस रिलीज होती है? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? क्या कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पर बात करता है? हाँ, चर्चाओं में बहुत करते होंगे, लेकिन क्या देश के सामने ये सारी चीजें रखी जाती हैं कि हमने ये कहा था कि हम काला धन वापस ले आएंगे, हम इतना काला धन वापस ले आए हैं? क्या कभी ये बात कोई रखता है कि हमारी सेना को पूरी तरह से मजबूत करने की हमने बात कही थी? क्या पूरी तरीके से हमारी सेना को हर वो चीज उपलब्ध हो रही है जिसके वादे और दावे आपने किए थे? आपने कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, क्या आपने बताया देश को कि कितने लोगों के खातों में 15 लाख आए हैं? हालांकि इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी क्योंकि इस पर तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि वो तो हमारा जुमला था। तो मतलब चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी बोल देंगे, फ्री की बात कर लेंगे, लाखों रुपए की बात कर लेंगे और फिर कह देंगे वो तो जुमला था। ये तो भारतीय जनता के जो वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वादे और दावे हैं उसका मैं जिक्र कर रही हूँ। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अभी हिमाचल में जिस तरीके से जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तो बहुत वादे और किए गए थे और कहा गया था कि हम हिमाचल को इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वहाँ का विकास करेंगे, चाहे वो उद्यान की बात हो, उद्योग की बात हो या फिर अन्य तमाम चीज़ें हों। क्या वो वहाँ पर हो पाया है? कांग्रेस ने क्या बताया? आप आगे कह रहे हैं कि आप सालाना 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे गरीबी रेखा से जो नीचे हैं। कैसे? क्या आपने बताया? किस तरीके से? क्या आपने बताया? क्या 15 लाख की तरह ये 1 लाख भी आपका जुमला है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? इसके अलावा आपने ये कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार सालाना मिल रहे हैं 2014 के बाद से? क्या आपने इस पर बात की? क्या आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज करके बताया कि हाँ इतने इस साल में इतने लोगों को हमने रोजगार दिया है? पक्की नौकरियों की बात कही थी आपने, क्या पक्की नौकरियां मिल गई हैं लोगों को? ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी पर भी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं फोकस्ड है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली में, तो बहुत सारी गारंटियां दी थी। गारंटी दी थी कि हम यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे। हुई? यमुना साफ हुई? जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उन्हें तो बेहतर तरीके से पता होगा। आपने कहा था कि हम दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से सुंदर बना देंगे। आप जाकर देखिए दिल्ली में सड़कों का हाल क्या है। आपने कहा था कि दिल्ली का हर स्कूल जो है वो बेस्ट होगा, सरकारी स्कूल। ठीक है, आपने काम किया, लेकिन क्या पूरा वादा हो पाया? फिर आप कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है। सर, काम करिएगा, रोकेगा कौन? अगर आप विकास की बात करेंगे तो केंद्र सरकार क्यों चाहेगी कि विकास ना हो? तो आज हम एट नाइन में इन्हीं बातों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में हमेशा से रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, 2014 में ये कहा गया था, संकल्प लिया गया था, हुआ, बहुत काम हुए, लेकिन 15 लाख खातों में नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर नहीं मिला।
नौकरियां लोगों को नहीं मिली, महंगाई का दर बढ़ा है। हाँ, उज्ज्वला योजना के तहत आपने काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने काम किया, किसान सम्मान निधि जा रही है हर साल किसानों के खातों में, लेकिन जो आपने सबसे ज्यादा फोकस किया था, आपने सबसे ज्यादा उसी पर काम किया, 370 और राम मंदिर। ठीक है, राम मंदिर एक आस्था का विषय हो जाता है, लेकिन इसका भी पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर दिया गया। क्यों? क्या सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करके आप वोट पाना चाहते हैं? 3 तलाक आपने हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के आरक्षण पे आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। सीए आप लेकर आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हर एक घर में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे अच्छा रोजगार मिले, क्या ये हो पाया है? क्या उसके आंकड़े आपने सामने रखे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा ने काम नहीं किया 2014 के बाद से, आपने 10 सालों में बेहतर काम किया, बड़े बड़े काम आपने किए, लेकिन जो छोटे छोटे काम थे जिससे हम पूरी तरीके से मजबूत होंगे, वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा चूक गई है और भाजपा बेहतर तरीके से जानती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आपने 2014 के बाद से ही कहा था। समान नागरिक संहिता लागू करना, कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी, क्या हो पाई है पूरी तरीके से 370 हटने के बाद भी? पूरी तरीके से हो पाई है? हो सकता है वहां पर बेहतर तरीके से विकास हो रहा हो, दर कम हुआ हो, माहौल सही हुआ हो, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित जो वहां से बेदखल कर दिए गए थे वो जाने के लिए तैयार है? आपने जाना, आपने सोचा, आपने आवाज उठाई। संसदीय और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना आपने किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम वितरण, चिकित्सा, शिक्षा, वित्त पोषण किया आपने, लेकिन क्या वाकई हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से सही हैं? बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिसमें इक्विपमेंट्स नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी मंशा गलत है, आपकी मंशा सही होगी, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? शिक्षा की आप बात करते हैं, शिक्षा का स्तर कहाँ है? क्या वाकई हमारा युवा जो है, क्योंकि फिलहाल अगर हम देश की बात करें तो सबसे ज्यादा युवा है हमारे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड के मुकाबले, क्या हम पूरी तरीके से शिक्षा पर ध्यान दे पा रहे हैं? क्या हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा पर ध्यान दे रही है, या फिर आपने सिर्फ स्मार्टफोन हाथों में पकड़ा दिए गए हैं? वित्त पोषण की आप बात करते हैं, क्या हमारे देश में जन्मा बच्चा पूरी तरह से पोषित है जब तक उसे पोषण मिलना चाहिए, इसके आंकड़े कहाँ हैं? सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हुआ, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन फिर उंगलियां क्यों उठ रही हैं उस पर? क्यों ग्राउंड जीरो पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं? मैं सिर्फ रूरल एरियाज की बात नहीं कर रही, मैं अर्बन एरियाज की भी बात कर रही हूं। ग्रामीण भारत में जीवन में सुधार हुआ होगा, आवास योजना मिली है, शौचालय मिले हैं, सड़कें भी मिल रही हैं, लेकिन आज भी महज कागजों में चीजें हो रही हैं। लड़कियों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्र अभियान शुरू करना आपने किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है, लेकिन क्या महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं? काला धन, विदेश में रखा गया काला धन वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करना, काला धन टास्क फोर्स का गठन 2014 में आपने कहा था, आपने किया, लेकिन काला धन कितना वापस आया, क्या कोई प्रमाण है या आपने दिया? विपक्ष इसी को लेकर आप लोगों पर लगातार उंगली उठा रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, आय दोगुनी नहीं हुई है। हाँ, किसान सम्मान निधि उनके खातों में जरूर जा रही है। स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना चला था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कितने लोग स्वरोजगार हुए ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा। तो 2014 में ये वादे किए गए थे, जिनमें से राम मंदिर का वादा, 3 सदस्य पैनल मजता का आदेश ये पूरा हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपने शुरू की, आयुष्मान भारत लॉन्च किया, आयुष्मान भारत का लाभ कितने को मिल रहा है ये जरूरी है, टास्क फोर्स का गठन कर दिया आपने कालाधन में, लेकिन वो आया कितना इस पर कुछ नहीं। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी वित्तीय योजनाएं शुरू की गई, नागरिकों को सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी समक्ष करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया, हो रहा है ये हम मानते हैं कि हमारे देश में इतने स्मार्टफोन यूजर्स हैं, इतने सोशल मीडिया यूजर्स हैं कि शायद ही किसी देश में इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर होंगे, ऐसा भारत ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि हम हर चीज़ डिजिटल करेंगे, लेकिन हम कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं, लेकिन इससे बहुत सारे साइबर क्राइम बढ़े हैं। ग्रामीण जीवन में सुधार, उज्ज्वला योजना की आप बात करते हैं, ठीक है, आपने सब्सिडी भी दी और अब भी उस आपने रेट घटाए हैं,
लेकिन क्या आपने जाकर देखा कि क्या हर घर में जहां पर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुंचा है वहां पर हर महीने उसी का इस्तेमाल हो रहा है और वो गैस उसमें रिफिल हो रही है? क्या आपने जाना? इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये जरूरी है, आप वादे कर रहे हैं, पूरे हो रहे हैं धरातल पर, लेकिन जनता को बताइए आप सामने आके कि हमने ये वादे पूरे कर दिए हैं। मोटा मोटा तो आप आके बता ही रहे हैं सारी चीजें रैलियों में, जनसभाओं में चीख चीख कर कि हमने 370 हटाया, हम राम मंदिर का निर्माण हमने कराया। ठीक है, सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन ये फिर अब 2019 की बात कर लेते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, आपने नारा दिया, टैगलाइन थी, हुआ भी, जनता ने दिल खोल कर वोट किया कि 5 सालों में काम नहीं होता, अब हम 5 साल आपको और परखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपने अपने घोषणा पत्र में 33% आरक्षण, 370 को निरस्त करना, यूसीसी को लागू करना, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण सहित 2014 के कुछ वादों को दोबारा से दोहराया। और 2014 के वादे आपने 2019 के बाद पूरे किए हैं। 2019 से लेकर 2024 तक 3 तलाक, निकाह हलाला प्रथाओं को खत्म करने का वादा किया, ये सब चीज़ें थी। NRC को लागू करना अभी नहीं हो पाया। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, सेना को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन क्या आपने बताया कि हमारी सेना कितनी मजबूत हुई है? ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण देना, आरोप लग रहे हैं कि आप बिजनेसमैन को तो पूरी आसानी से लोन दे रहे हैं लेकिन किसानों को लोन नहीं दे पा रहे हैं। घुसपैठ का मुकाबला भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं हो रही हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर अहम सहमति बनाना अभी तक नहीं हो पाया है, आपने इसे फिर डिले कर दिया। अब वादे कौन कौन से पूरे आपने किए हैं 2019 के बाद के? 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। ठीक है, 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई थी, कानून नए संसद भवन में पारित किया गया था। ठीक है, राम जन्मभूमि, राम मंदिर का किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और पूरा देश राम में हो गया था, छिपा नहीं किसी से, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे पर आप वोट 400 पार नहीं कर सकते, वोट नहीं बटोर सकते। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित सम्मान नागरिक संहिता यानी कि UCC कानून बन गया, लेकिन क्या पूरे देश में बन पाया, सहमति बन पाई? आपने इसे फिर डाल दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। आपने कहा था कि देश एक है, राष्ट्र एक है, तो चुनाव भी एक होना चाहिए। इस पर आपने काम किया, पैनल भी बन गया है, लेकिन डिले हो गया, 2024 में पूरा नहीं हो पाया। अब 2024 के बाद आपने इसे रखा है। ठीक है, केंद्र ने मार्च 2024 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया। ये सारी बातें हैं। अब आप क्या घोषणा पत्र में लेकर आए हैं 2024 के? युवाओं के लिए पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कानून लाया जाएगा। स्टार्टअप, मेंटरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वह युवाओं को आप बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए आप और मजबूत योजनाओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने आपने वादे किए थे क्या वो पूरे हो गए हैं? पहले आप पुराने वादे तो पूरे कर लीजिए, नए आप कैसे करेंगे? पुराने वादों पर ही तो आपको वोट दिया जाएगा, अब नए घोषणा पत्र भी तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि धरातल पर क्या किया है आपने, ये महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए आप कहते हैं कि आपने 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया है, अब आप 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, हो पाएगा? पहले ही आप लोग इतनी सारी चीजें पेंडिंग में रखकर चल रहे हैं, आने वाले 5 साल में सारी चीजें हो पाएंगी? क्या आप विश्वास देते हैं? गारंटी की आप बात करते हैं, गारंटी पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि 2014 के भी कुछ वादे जो हैं वो 2022, 2023, 2024 के शुरुआत में पूरे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप जो वादे कर रहे हैं, जो हुए हैं, वो सामने से आप जनता के रखिए ताकि जनता आप पर विश्वास कर पाए। तो ये तो हो गई बीजेपी की बात, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के अगर आप घोषणा पत्र को देखेंगे 2014-2019 की हम बात करें और 2024 में जो संकल्प लिया है, 2014-19 में कई वादे पूरे हुए हैं, कुछ एक वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं। और हाँ, 15 लाख की गारंटी की जो बात की गई थी, 15 लाख खातों में, उस पर अमित शाह पहले कह चुके हैं कि वो सिर्फ चुनावी जुमला था, तो उस पर विश्वास करने लायक अभी कुछ है नहीं है। तो इसीलिए बीजेपी के जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर पास हो रहे हैं। तो ये बात बीजेपी की हो गई, और बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, चाहे वो 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, वो लगभग पूरे हो चुके हैं। तो हमारी तरफ से बीजेपी कहीं ना कहीं पास है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र तो जारी किए थे लेकिन कांग्रेस की सरकार तो नहीं आई, तो विधानसभा की हम बात कर लेते हैं, जो भी हाल ही में हुआ, हिमाचल की बात कर लेते हैं।
तो कांग्रेस के घोषणा पत्र 2024 की हम बात कर लेते हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1,00,000 रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने, जातिगत जनगणना कराने का जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। कुछ कुछ बीजेपी ने भी फोकस किया। सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम का वादा है। घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ, वेलफेयर पर पूरी तरीके से आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार है, वेल्थ के मायने आमदनी है और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम के फायदे दिलाना है, जिन पर पूरी तरह से फोकस है। लेकिन चार जो अन्य बड़ी घोषणाएं हैं उन पर फोकस करना जरूरी है। वन नेशन इलेक्शन का विरोध, जो कि भाजपा चाहती है। लोकसभा विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे, इनका कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हम होने नहीं देंगे। मतदान ईवीएम के जरिए होंगे लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा, क्योंकि ईवीएम पर कांग्रेस को भरोसा कभी रहा नहीं है। अभी भरोसा तो हम करते हैं लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान हम जरूर करेंगे। दसवीं अनुसूची में संशोधन का वादा है। इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी, और ये वादे तब किए जा रहे हैं जब कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी सांसदी से बर्खास्त भी हो चुके हैं और वापस सांसद बने हैं। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। तो ये वादे कांग्रेस के हैं। अब जनता चुनेगी तो कांग्रेस कितने वादे पूरे करेगी, इस पर तो हम तब बात करेंगे। लेकिन जो हिमाचल में उन्होंने वादा किया था कि हिमाचल भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन करेंगे, 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया था, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा, कहां गई नौकरियां। जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारी प्रताड़ित करने के लिए किए गए स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए ग्रामीणों को गिफ्ट डीड बनाकर देना पड़ता है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। इसके अलावा खेती बागवानी, डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन, परिवहन व्यवस्था, रेल परिवहन, वन्य, पर्यावरण संरक्षण, उद्योग, बिजली, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले को, इन पर फोकस किया जाएगा। क्या हिमाचल में हुआ है और अगर आपने काम किया है तो आप बता दीजिए। अभी हाल फिलहाल में तो आपकी सरकार गिरती गिरती बची थी, तो आपने क्या काम किए होंगे ये जनता के सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा आपने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए थे कि पुलिस वाले को नाइट ड्यूटी के बदले में हम हर महीने 5,000 रुपए देंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी 11,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप स्पेशल कानून बनाएंगे। और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पास किए गए सभी जन विरोधी कानून को 1 साल के अंदर वापस लिया जाएगा। आपने किया, किसान विरोधी कानून वापस लेने का वादा भी किया, दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने का वादा किया। क्या ऐसा हुआ है? अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1,50,000 रुपए, किसानों के लिए दिए जाने वाले लोन को 3% ब्याज दर पर बढ़ाकर 3,00,000 से 10,00,000 रुपए करने का वादा आपने किया था, क्या आपने किया? 8 घंटे कम से कम बिजली देने का वादा किया था, क्या आप कर पाए हैं? फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5 करोड़ रुपए, हर साल 1,000 करोड़ रुपए, क्या हो पाया है? नागरिक किसानों और अन्य के लिए MSP सुनिश्चित किया जाएगा, क्या किया गया? इसके अलावा कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे। शक्ति योजना के माध्यम से नियमित KSRTC BMTC बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, यहाँ काम हुआ है। लेकिन जो वादे और दावे किए गए थे वो अभी तक पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतरे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस ने जो वादे किए थे हिमाचल में और कर्नाटक में। हो सकता है कि जो आपने वादे किए उनमें समय लगे काम करने में, लेकिन आप शुरुआत तो करिए, जब तो जनता विश्वास कर पाएगी। लेकिन शुरुआत यहाँ नहीं हो रही तो फिर कैसे लोकसभा चुनाव में जनता पर विश्वास कर ले? तो यहाँ पर जो आपने वादे और दावे किए हैं चाहे हिमाचल में चाहे कर्नाटक में पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे हिमाचल कर्नाटक के, वो पूरी तरह से फेल। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, जो कहती है कि आंदोलन से हम तो निकले हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, हमने दिल्ली में बहुत काम किया इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया। फिलहाल तो 3 लोग जेल में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम किया है और कितना भ्रष्टाचार किया है, क्या किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपने 10 गारंटी दी थी और घोषणा पत्र आपने जारी किया था। दिल्ली को जन लोकपाल बिल क्या मिला? दिल्ली स्वराज बिल क्या मिला? राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हो सकता है कि कई जगहों पर हुई हो लेकिन पूरी दिल्ली में भी नहीं हुई है। 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की गई है लेकिन 10 लाख की संख्या क्या पूरी हो गई है? युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा नहीं हुआ। स्कूलों और कॉलेजेस में देशभक्ति का पाठ्यक्रम कहीं कहीं पर हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने की बात कही थी आपने, बढ़ रहा है लेकिन डीले सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 2020 में कोरोना काल आ गया, 2021 तक कोरोना काल रहा तो उसमें बहुत सारी चीजें स्थिर पड़ गई। यमुना के रिवर साइड का विकास कहाँ हुआ है? यमुना के रिवर साइड का विकास सबसे बड़ी जो काम था वो यही था कि आपको यमुना को स्वच्छ करना है, वहां पर विकास करना है।
राजधानी की वर्ल्ड क्लास सड़कें कहीं से भी नहीं है, एक बारिश हो जाती है आप देख लीजिएगा राजधानी में क्या हाल होता है। सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा क्या किसी कर्मचारी को मिला है तो आप बताइए। नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कितनी हुई है ये आपको रखना चाहिए। इसके अलावा रेड राज खत्म करने की बात कही थी आपने, लेकिन आप तो खुद लिक्कर में फंस गए और साथ ही साथ आपने भ्रष्टाचार कर दिया, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने युवाओं को नशे की तरफ धकेला है। विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रहा है। सीलिंग से लोगों को सुरक्षा क्या पूरी तरह से हो पाई है? बाजार औद्योगिक क्षेत्रों का विकास क्या आपने किया है? सर्किल रेट का युक्तिकरण क्या आपने किया? 24 घंटे 7 दिन बाजार खुले रहेंगे, कैसा हो पाया? अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे कैसे? आप तो हर चीज फ्री कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ जाएगी? पुनर्विकास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक क्या मिल पाया है? अनधिकृत कॉलोनियों के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने वादा किया था आप नियमितीकरण करेंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे, रजिस्ट्री भी हो रही है लेकिन अभी भी अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है। ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल होंगे, भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करेंगे, 84 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय देंगे, संविदा कर्मचारी क्यों नियमित करेंगे, किसानों के हक में भू सुधार अधिनियम में संशोधन करेंगे, क्या ये वादे आपने पूरे कर लिए हैं? दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जा की आप बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने वादे और दावे तो बहुत किए थे लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंस चुकी है। अब आम आदमी पार्टी कहते हैं कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो दिल्ली की जनता आप पर कैसे विश्वास करती? ठीक है, आप पर विश्वास किया दिल्ली की जनता, लेकिन आज जो दिल्ली की हालत है और आप लोगों की जो हालत है, क्या जनता विश्वास कर पाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने जो गारंटियां दी थी वो पूरी तरीके से फेल हो रही हैं क्योंकि आपने पूरी तरीके से जो भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं शराब घोटाले के, उससे कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से फेल साबित होता है। तो ये है वादे सिर्फ जो जुमले साबित हो रहे हैं, कुछ सरकारों ने काम किया कुछ पार्टियों ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। आप लोग आते हैं जनसभाएं करते हैं मैनिफेस्टो की आप ब्रीफिंग करते हैं लेकिन मैनिफेस्टो धरातल पर उतरता नहीं है सही तरीके से। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर जो भी काम पूरा हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, चाहे वो कोई भी हो, और जनता के सामने रखिए कि हमने इतने लाख नौकरियां दी हैं, हमने यहाँ यहाँ पर काम किया है, इस सेक्टर में हम इतना काम कर, इतनी सड़कें हमने बना दी हैं, इतनी मेट्रो का काम हमने कर दिया है, इतनी रेलवे लाइन का हमने काम कर दिया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया है, इतना काला धन वापस आया है, तमाम बातें करिए, जनता के सामने रखिए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है और आज के टाइम में हर किसी के हाथ में फोन है, सोशल मीडिया पर हर एक जानकारी लोगों के पास है। उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि 2 दिन बाद मतदान है और पहले चरण में ये लगभग कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी स्थिति कि आखिर जनता का मूड क्या है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या वाकई इन गारंटियों को, इन संकल्प को यकीनन मानते हैं या फिर आपके लिए जुमले हैं। @9 में आजकल इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।